ऑल द बेस्ट तुम्हारी नई जिंदगी के लिए। किसने सोचा था कि इत्तरपुर से निकलकर क्रिकेट खेलते हुए तुम मॉडल ग्राम तक पहुंच जाओगी। छोटे बच्चे होकर डरा दिया हमारे को। हां सही कह रहे, अभी तुम्हारा मजाक उड़ा रहा हूं, बाहर जाके अपना बनाओ। ऑल द बेस्ट तुम्हारी नई जिंदगी के लिए। किसने सोचा था कि इत्तरपुर से किसने सोचा था कि इत्तरपुर से निकलकर क्रिकेट खेलते हुए तुम मॉडलिंग रैंप तक पहुंच जाओगी। वैसे फालतू जो होता है ना अच्छे के लिए ही होता है। अब खड़ा हो गया हो तो जाओ ना यहाँ से, मारे को तैयार हूँ। जा रही हूँ। तनीषा फालतू से मिलने के लिए गई है, उसे ये बताने के लिए गई है कि तनीषा फालतू का कभी भी बुरा नहीं चाहती है, वो सिर्फ जो कुछ भी कर रही है अयान को पाने के लिए तो कर रही है, तनीषा तो ये कर ही रही है, बट वो फालतू को ऐसा नहीं दिखा रही है। फालतू को वो बहुत कंसर्न दिखा रही है कि वो उसके लिए भी बहुत चिंता करती है और उसके लिए कुछ बुरा नहीं चाहती है, और वो हमेशा ये समझाती है कि अयान और तुम दोनों एक हो जाओ, पर तनीषा एक्चुअल में तो ये नहीं चाहती है। तनीषा चाहती है कि फालतू और अयान अलग हो जाएँ, और तनीषा कैसे भी करके ये प्रूव कर दे कि नील और फालतू के बीच में कुछ चल रहा है। तो मैं बस अयान के दिमाग में यही बात डालना चाहती हूँ और इसीलिए तनीषा फालतू से मिलने के लिए कही है। छोटे बच्चे होकर डरा दिया हमारे को। मैं छोटा बच्चा हूँ, तुम छोटी बच्ची हो, एक नंबर की डरपोक होगी। क्यों हो गया ऐसे, क्यों देख रहे हो? दादा मेकअप हो गया ना, मैं कह रही थी कम करो, कोई मारी ना सुनता। अभी कम कर। मारा मजाक बना रहे हो ना? हाँ सही कह रही, अभी तुम्हारा मजाक उड़ा रहा हूँ, बाहर जाके अपना बनाओ। हजम नहीं होती ना तुम्हें? हाँ नहीं होती, थारे मुंह से तो बिल्कुल भी। 5 मिनट है तुम्हारे पास, जल्दी रेडी होकर बाहर आओ। बस कैसे भी करके फालतू के दिमाग में ये आ जाए कि अब तनीषा दूर हो चुकी है और तनीषा अपनी लाइफ में बहुत खुश है, जो कि तनीषा नहीं है ऐसा। तो अभी देखते हैं क्या होता है।